हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 टॉप मोस्ट रीजंस कि आपको क्यों SBI PO की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं रीज़न नंबर फर्स्ट से। सबसे पहला जो रीज़न है वो मैं दूंगा, वो है कि आप सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी से एम्प्लॉयड कैटेगरी में आ जाएंगे, बेरोजगार से रोजगार हो जाएंगे, इसलिए आप इसकी प्रिपेयर मत कीजिएगा। दूसरा रीज़न जो है वो है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो जाएंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए आप प्रिपेयर मत कीजिए। तीसरा रीज़न जो है मेरे हिसाब से वो ये है कि आपके घर वाले खुश हो जाएंगे आपको लेके कि मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, नौकरी लग गया है, बैंक में मैनेजर है, इसलिए भी आप प्रिपरेशन मत कीजिए, ठीक है। चौथा रीज़न जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अंदर से आपको एक गुड फील होने लग जाएगा, आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि नहीं मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ तो अच्छा काम किया है, आप कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाएंगे, इसलिए भी आप प्रिपेयर मत कीजिए। रीज़न नंबर फिफ्थ जो सबसे बेस्ट रीज़न मेरे को लगा कि आपको प्रिपरेशन क्यों नहीं करनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट रीज़न ये है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं ना वो आपसे बहुत खुश हो जाएंगे, आपके आसपास आने लग जाएंगे। जो रिलेटिव्स आपको पूछते हैं अभी क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कब तक करते रहोगे, वही आपसे खुशी खुशी बातें करेंगे, वही लोग आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपके क्लोज आने का बहाना ढूंढेंगे, आपसे टिप्स लेंगे, फाइनेंशियल एडवाइसेस लेंगे, इज़न्ट दैट। तो ये सब रीजंस है कि भाई आप रिलेटिव्स तक को अपने साइड कर सकते हैं, इसलिए बस प्रिपेयर नहीं करना चाहिए आपको SBI PO की, क्योंकि SBI PO का प्रिपेयर करोगे तो SBI PO की जॉब लग जाएगी, और SBI PO की जॉब लग जाएगी तो ये सब मिल जाएगा आपको, इसलिए मैं डिनाई कर रहा हूँ कि SBI PO की प्रिपरेशन मत करना, ठीक है। आई होप यू गेट द मैसेज एंड जस्ट शेयर इट विद दोज हु आर नेगेटिव टू मी, नेगेटिव टुवर्ड्स माई चैनल। आई होप यू गेट द मैसेज, सो होपिंग फॉर द बेस्ट, डोंट फॉल प्रे टू एनी वन, जस्ट प्रिपेयर योर बेस्ट, यू आर बेस्ट, यू शुड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एग्जाम्स, राइट। सो जस्ट स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड प्रिपेयर वेल। सो जय हिंद, जय भारत।